गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात होती है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो टेंडेंसी है या आईबीएस वो टेंडेंसी है जो बार बार डिस्टर्ब होती है या प्रिसिपिटेट होने की ताकत रखती है। अगर आईबीएस डिस्टर्ब होगा तो तमाम सिम्टम्स आएंगे पेट के अंदर जो परेशान करेंगे। जो आईबीएस प्रिसिपिटेट होती है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, स्ट्रेस के चलते हो सकती है, लाइफस्टाइल के चलते हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हैं, बट फूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। खाने में कुछ चीज ऐसी है जो आईबीएस को डिस्टर्ब कर रही है एंड प्रिसिपिटेट कर रही है। इसके पिछले वीडियोस में हमने बात की कि हाई फॉडमैप जो डाइट है वो वास्तव में आईबीएस को डीस्टेबलाइज कर सकती है एंड प्रिसिपिटेट कर सकती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। आज मैं बात करूंगा कि अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो वो कौन से लो फॉडमैप आइटम्स हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इरिटेबल बाउल जो सिंड्रोम है वो काफी कंट्रोल में रहे। नंबर वन पर आते हैं फ्रूट्स। अगर आईबीएस है तो कौन से फ्रूट्स हैं जो सेफ हैं एंड लो फॉडमैप हैं? अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो एवोकेडो। एवोकेडो वास्तव में अवेलेबल तो हमारे यहां कम होता है बट इट्स अवेलेबल नाउ। जो बनाना है या केला है, पर्टिकुलरली थोड़ा सा अनराइप जो बनाना है वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आता है। जो ब्लूबेरीज हैं वो लो ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, वास्तव में लो फॉडमैप की कैटेगरी में आती हैं। जो अंगूर है या ग्रेप्स हैं वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आते हैं। जो कीवी है लो फॉडमैप है, इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी इस तरह की चीजें जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इनमें फॉडमैप नीचे की तरफ है, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑलिव्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पपीता है, पपाया है, इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाइनएप्पल है वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में है, उसको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फॉर दैट मैटर इवन कैंटलूप जो अवेलेबल होती है एज खरबूजा, उसे आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर हम स्वीटनर्स को ध्यान से देखें, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की हम बात करते हैं, तो जिन भी स्वीटनर्स में पीछे से और लगा हुआ है या ओएल जैसा है वो लगा हुआ, जैसे सॉर्बिटॉल, मेनिटॉल, मेल्टिटॉल, ये इस तरह के जो आइटम्स हैं इनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है, बिकॉज इन सब में जो फॉडमैप है वो हाई होगा और हाई होगा तो सिम्टम्स आएंगे। जो ब्राउन शुगर है यूज की जा सकती है, प्लेन ग्लूकोज यूज किया जा सकता है, मेपल सिरप यूज किया जा सकता है, जो पाउडर शुगर है या फॉर दैट मैटर जो टेबल शुगर है उसको भी यूज किया जा सकता है बट इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। नाउ हम जो डेयरी के अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं उनको ध्यान से देखिए। जो आलमंड मिल्क है इज वन ऑफ द वन जो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आता है। जो कोकोनट मिल्क है वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आता है। जो राइस मिल्क है या हेम्प मिल्क है ये लो फॉडमैप की कैटेगरी में आते हैं। जो चीज है वैसे तो हाई फॉडमैप में आता है, लेकिन छेदार चीज है जो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आता है उसको यूज किया जा सकता है। बहुत सारे लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लैक्टोज फ्री आइसक्रीम है, लैक्टोज फ्री जैसे योगर्ट है या दही है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लो फॉडमैप डाइट में लैक्टोज फ्री जो आइटम्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ वेजिटेबल्स को ध्यान से देखिए, ये ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जो लो फैट फॉडमैप हैं और आप अगर आईबीएस के साथ इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो दे आर वेरी वेरी सेफ। नंबर वन, जितने भी बेल पेपर्स होते हैं या शिमला मिर्च होती हैं वो लो फॉडमैप है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ब्रोकली है जो हरे रंग की गोभी जैसी दिखती है उसको जरूर इस्तेमाल करिए। जो कैरेट्स हैं दे कैन बी यूटिलाइज, वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आती हैं। जो कॉमन पत्ता गोभी है, चाहे वो हरे कलर की हो चाहे वो कलर्ड हो, वो दे आर लो फॉडमैप, उन्हें यूज किया जा सकता है। जो बैगन है, एग प्लांट, उसे आप यूज करिए, वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आता है। देन ग्रीन जो बीन्स जो अवेलेबल होती है मार्केट में वो लो फॉडमैप कैटेगरी में है, उनको आप इस्तेमाल करिए। जो पालक है वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में है, सेफली यूटिलाइज की जा सकती है। जो करीब सलाद पत्ता आता है लेट्यूस, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोटैटो है या आलू है वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में है और उसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आगे वेजिटेबल्स को देखें तो जो हरी प्याज होती है उसका सिर्फ ग्रीन पोर्शन है, उसको आप इस्तेमाल करें, वो लो फॉडमैप की कैटेगरी में है, आईबीएस डिस्टर्ब नहीं होगा। जो स्वीट पोटैटो है या शकरकंदी के नाम से आती है उसको आप इस्तेमाल करें, आपका आईबीएस डिस्टर्ब नहीं होगा। टमाटर, जो टोमेटो है, इज वेरी सेफ,
जो सिंघाड़ा है इज वेरी सेफ। तो ये उस तरह की चीजें हैं जिनसे जो आईबीएस है वो डिस्टर्ब नहीं होता। नाउ लुक एट द ग्रेन्स। पहले भी मैंने बात की कि समहाउ जो गेहूं है उसको हाई फॉडमैप की कैटेगरी में माना जाता है। जो अमरंथ है या जो राजगिरी के नाम से हमारे यहां जाना जाता है वो लो फॉडमैप है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ब्राउन राइस है फॉर दैट मैटर इज लो फॉडमैप, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स लो फॉडमैप डाइट में आते हैं। जितने भी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है वो सब लो फॉडमैप होते हैं। क्विनोवा है लो फॉडमैप है। जिन इस तरह की जो चीजें हैं जैसे बल्गर वीट है, पेल्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको माना जाता है कि वास्तव में लो फॉडमैप है। तो अगर लो फॉडमैप को अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन जो ग्रेन हम यूज करते हैं वो है राइस। जो चावल है चाहे वो ब्राउन राइस हो, इनफैक्ट दूसरे भी जो राइस हैं उनको लो फॉडमैप माना जाता है। इन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको आईबीएस की टेंडेंसी है तो आपको गेहूं अवॉइड करना चाहिए, इन राइस जो ना शायद यूज करना चाहिए। नाउ लुक एट द नट्स। नट्स हम रोज यूज करते हैं। आलमंड इज लो फॉडमैप। ब्राजील नट, हेजल नट, मैकेडोनिया नट्स, ये पूरी की पूरी जो नट्स हैं ये लो फॉडमैप कैटेगरी में आती हैं। जो पीनट्स हैं या मूंगफली हम खाते हैं वो लो फॉडमैप में आती हैं। जो पाइन नट्स हैं या अखरोट फॉर दैट मैटर जो वॉलनट हम इस्तेमाल करते हैं ये लो फॉडमैप में है, इन्हें जरूर इस्तेमाल करिए, इससे आईबीएस डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत सारे जो सीड्स या बीज इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पंपकिन सीड है या जो कद्दू के जो ना बीज हम खाते हैं या सीसेम है या सनफ्लावर सीड्स हैं या सेम के बीज हैं, ये उस तरह की चीजें हैं, ये आप इस्तेमाल करें तो इससे जो ना आईबीएस प्रिसिपिटेट नहीं होगा। ऐसे ही जो चिया सीड्स हैं ये कभी आपके आईबीएस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसे ही जैसे काला जीरा है या जो हम कलौंजी के नाम से जानते हैं, इसे आप इस्तेमाल करें, इससे आईबीएस आपका डीस्टेबलाइज नहीं होगा। नाउ डाइट में हमें प्रोटीन तो चाहिए। नाउ प्रोटीन अगर चाहिए तो ध्यान से देखिए, जितने भी लेग्यूम्स हैं या लेंटिल्स हैं ये एक्चुअली हाई फॉडमैप की कैटेगरी में आती हैं। तो प्रोटीन्स के जो अच्छे सोर्सेज हैं जो आपके आईबीएस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो इसी उसमें आते हैं। चिकन है, ये लो फॉडमैप है, आईबीएस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे जितना भी बीफ है, फिश है, एग्स हैं, फॉर दैट मैटर जितने भी मीट्स हैं ये आईबीएस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो पॉर्क है, सी फूड्स हैं, ये भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो टर्की है, टोफू है, ये भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आप बहुत सारी करी यूज करते हैं, उसमें लॉट ऑफ जो है ना अनियन, गार्लिक और वो सब चीजें यूज करते हैं, उसके चलते सब गड़बड़ होती है। अगर आप प्रोटीन्स बिल्कुल जो है ना रॉ फॉर्म में या वैसा यूज करें जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स नहीं है तो आपका आईबीएस स्टेबल रहेगा, प्रिसिपिटेट नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर आप हाई फॉडमैप डाइट लेते हैं जिसमें फॉडमैप ज्यादा होते हैं तो फॉडमैप आपके पेट में पहुंचकर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, ये वास्तव में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं तो ये फर्मेंट होते हैं, ये फर्मेंट होंगे तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो बहुत सारा लिक्विड पेट के अंदर आ जाएगा जिसके चलते प्लेट ब्लोट होगा, पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा, वो दर्द होने के अलावा या तो लूज मोशन हो जाएंगे या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की टेंडेंसी है या आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरे कोई जीआई डिसऑर्डर्स हैं तो आपको हाई फॉडमैप डाइट को पहचानना चाहिए, इन उसको धीरे धीरे आपको अपने खाने में से एलिमिनेट करने की जरूरत है और एक एलिमिनेशन डाइट ट्राई करना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। इन साइंटिफिक स्टडीज यही कहती हैं, इन पर्टिकुलरली स्टडीज फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी, कि अगर आप लो फॉडमैप डाइट लेते हैं तो जो आईबीएस की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो वास्तव में एडिक्वेटली कंट्रोल होती है एंड आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बेटर होती है। अगर आप समझते हैं कि लो फॉडमैप डाइट इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस कनेक्शन को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।